स्वागत है सभी का एक बार फिर से जय महादेव ई-लर्निंग प्रोग्राम पे। देखिए भाई, हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस पे, और प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो एटॉमिक साइज होता है, परमाणु का आकार होता है, किन किन कारकों पर निर्भर होता है, जिसमें हम लोगों ने कई सारे फैक्टर्स की बात की थी। हम लोगों ने बात किया था कि न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है, नाभिकीय आवेश क्या होता है, और नाभिकीय आवेश किसी भी परमाणु के साइज पर नाभिकीय आवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हमने देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने बात की थी लेंथेनाइड इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, और लेंथेनाइड के साथ हमने देखा था डी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन या डी ब्लॉक संकुचन क्या होता है, और किस तरीके से इन सारे फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है परमाणु के आकार पे। उसी क्रम का कह सकते हैं, उसी का एप्लीकेशन आज के सेशन में हम लोग देखने चल रहे हैं कि जब परमाणु आकार बढ़ता है या घटता है तो एटॉमिक रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ती है। आइए इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे आवर्तों तथा समूहों में परमाणु त्रिज्या का परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन, ऐसी हेडिंग डालिएगा, परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन, ठीक है ना। आवर्त एवं समूह में परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन, ठीक है ना। आइए समझते हैं। स्वागत है सभी का एक बार फिर से जय महादेव लर्निंग प्रोग्राम पे। देखिए भाई, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने नाभिकीय आवेश के बारे में देखा था कि नाभिकीय आवेश का परमाणु के आकार पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, डी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन क्या था, और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नाभिकीय आवेश किस तरीके से प्रभावित करता है परमाणु के आकार को, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने चल रहे हैं कि भैया ऐसा है कि आवर्त और वर्ग में परमाणु के त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है इन सारे परिवर्तनों का। तो आप हेडिंग डालेंगे वर्ग तथा आवर्त में परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन। आइए समझते हैं इस पूरे क्रम को। डालेंगे वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स और बोल सकते हैं ग्रुप्स। ये आज का टॉपिक है, पर कह सकते हैं परमाणु, ये क्या है, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या का आवर्तियों वर्ग में परिवर्तन। सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस होती क्या है, तो हमने क्या बताया था भैया, किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस और उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो ये दूरी होती है, इसी को आप नाम क्या देते हो भैया, इसी को नाम देते हो परमाणु त्रिज्या, जिसको आप R से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। अब ये परमाणु का साइज, अगर हम बात करें परमाणु के साइज की, अगर परमाणु का साइज बड़ा होगा, परमाणु का साइज क्या हो बेटा, बड़ा हो, तो त्रिज्या भी बेटा क्या होगी, त्रिज्या भी ज़्यादा होगी। बातें तो सही हैं। आइए इसी क्रम में देखते हैं कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, मतलब आवर्त की अगर बात करें तो आवर्त क्या होता भैया, ये जो क्रम है ये आवर्त का क्रम है। अगर वर्ग की बात करें, वर्ग या समूह की बात करें, तो ये जो होता है आप पीरियोडिक टेबल में जो आप कह सकते हो कि ऊर्ध्वाधर कालम होते हैं, इनको क्या बोला जाता भैया, वर्ग बोला जाता है, और हॉरिजेंटल कालम को आवर्त बोलते हैं। अब आवर्त की अगर बात करें तो आवर्त में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक क्या होता बेटा, बढ़ता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अब अगर हम बात करें दाएं से बाएं जाएंगे, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जैसे अगर हम बात करें सोडियम के बाद, अगर हम बात करें तो सोडियम के बाद यहाँ पोटेशियम आता है, यहाँ पे आता है सबसे पहले हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, और क्या है बेटा, सीजियम, फिर है फ्रांसियम। अगर लिथियम के साथ यहाँ पे देखें तो बी आता है, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 3, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 4। आवर्त नंबर क्या है इसका बेटा, 3। इसका आवर्त नंबर 4, इसका आवर्त नंबर बेटा 5, इसका आवर्त नंबर 6, इसका आवर्त नंबर 7, ठीक है ना। अरे यार क्या गड़बड़ हमने कर दिया, हमने यहाँ पे चीज़ों को गड़बड़ कर दिया। क्या परिवर्तन आया भाई, देखते हैं इस पे।
यार यहाँ पे हम चीज़ों को समझा ही नहीं पा रहे हैं। स्वागत है सभी का एक बार फिर से जय महादेव लर्निंग प्रोग्राम पे। देखो भाई, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, और डिस्कस किया था परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले कौन कौन का से कारक हैं, जिसमें हम लोगों ने नाभिकीय आवेश, लेंथेनाइट संकुचन, आवरेडी प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का एटॉमिक आकार पर, बोले तो परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसी का एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि भैया जो परमाणु त्रिज्या होती है, ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या होती है, उन पर ये फैक्टर्स कैसे काम करते हैं, ये कारक किस प्रकार से वर्क करते हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो आवर्त या वर्ग में किस तरीके से क्रमिक रूप में इनमें क्या परिवर्तन आता है, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे आवर्त एवं समूहों में, आवर्त एवं समूहों में, ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या में क्रमिक परिवर्तन, परमाणु त्रिज्या में क्रमिक परिवर्तन, ठीक है ना, आवर्त एवं समूहों में परमाणु त्रिज्या में क्रमिक परिवर्तन, कि भैया आवर्त में चलने पर किस तरीके से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है कि घटती है, या वर्ग में चलने पर घटती है या बढ़ती है, उसको समझने के लिए एक फैक्टर पे सबसे पहले बात करें तो ये मान लो परमाणु है, तो ये परमाणु का नाभिक है, मान लेते हैं बाह्यतम कोष है। ये कौन सा कोष है भैया? ये है बाह्यतम कोष, ठीक है ना, और इस बाह्यतम कोष में मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को ही आप क्या बोलते हो भैया? परमाणु त्रिज्या बोलते हो। अब बात आती है कि परमाणु अगर त्रिज्या की बात करें तो ये जो परमाणु त्रिज्या होगी बेटा वो निर्भर करेगी परमाणु के आकार पर, परमाणु के किस पे बेटा? परमाणु के आकार पर। अगर परमाणु का आकार ज़्यादा होगा, परमाणु का आकार बड़ा होगा, तो परमाणु की त्रिज्या भी बेटा कैसी होगी? परमाणु की त्रिज्या भी आपको होगी सर बड़ी होगी, ज़्यादा होगी। बातें तो यही हैं, बिल्कुल सही हैं। तो परमाणु के आकार पे आज हम बात करेंगे, परमाणु का आकार किस कंडीशन पे ज़्यादा हो सकता है, किस कंडीशन में कम हो सकता है। आइए उसको समझने के लिए एक पॉइंट को समझें। तो हमने आपको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है कितने आवर्त होते हैं भैया? 7 आवर्त होते हैं, ठीक है ना, 7 आवर्त होते हैं। यहाँ पे आता हाइड्रोजन, यहाँ पे आता लिथियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम, और क्या है बेटा? फ्रेंसियम। अब थोड़ा सा क्रम को बेहतरीन रूप से समझने का प्रयास करें। अगर सेकेंड आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है बी, और यहाँ पे आता है एम जी, यहाँ पे आता है सी, ठीक है ना। अरे यार, बी ए एस सी एस आर, और क्या हो जाएगा? आर ए, ठीक है ना। इसी क्रम में आगे बढ़ाएं तो यहाँ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या करें, परमाणु क्रमांक को लिखना चाहें तो यहाँ का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2, और बेरियम का 3, सोडियम का 11, तो ये 12। इसको आप लिखोगे 19, ये कितना 19, तो ये है भैया 20, ये है 20, 19 में 18 जोड़ोगे तो 31, 9, 8, 17। यार 19 में 18 जोड़ोगे तो 9, 8, 17 37 होगा भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 37, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 38, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बातों को समझने का बात करें तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे आवर्त में लेफ्ट टू राइट बोले तो बाएं से किधर जा रहे हैं भैया? बाएं से दाएं जा रहे हैं। अगर इसी क्रम में आगे देखें तो यहीं पे कहीं आएगा थर्ड ग्रुप, फिर आपका आ जाएगा बोरान, पी ब्लॉक में बोरान, फिर आ जाएगा कैल्शियम, फिर ठीक है बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, फिर यहाँ पे आ जाएगा हीलियम, यहाँ पे आ जाएगा नियान। अगर यहाँ पे देखें तो इसका परमाणु क्रमांक होगा बेटा कितना? ये यार 3 है, तो ये होगा 4, और ये होगा बेटा 5, ठीक है ना, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, और ये क्या हो जाएगा? 9, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 10। तो अगर हम देखें आवर्त में बाएँ से दाएँ जा रहे हैं, तो बाएँ से दाएँ जाने पर परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है बेटा? तो बाएँ से दाएँ जाने पर यहाँ पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। क्या हो रहा है भैया? परमाणु क्रमांक कंटिन्यू बढ़ रहा है। अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, लेकिन एक बात बताएं,
यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किस में जाने पर भैया, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही, लेकिन आवर्त की संख्या तो हमेशा कितनी है, दो है, मतलब निश्चित है, लेकिन आवर्त में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और आवर्त रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको, कोष को। तो कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या दाएं से बाएं जाने पर क्या हो रही भैया, भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रही भैया, बढ़ रही हैं या बढ़ रही हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या आपको होगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ हमने आपको क्या बताया था, अगर बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो नाभिक पर एक प्रोटॉन में वृद्धि हो जाती है, नाभिक में एक प्रोटॉन की भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब अगर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है तो नाभिकीय आवेश भी क्या हो रहा होगा बेटा, बढ़ रहा होगा। तो बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। नाभिकीय आवेश अगर बढ़ रहा है तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी बेटा, परमाणु की त्रिज्या क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। परमाणु की त्रिज्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अर्थात अगर आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है जिससे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती बेटा, कम हो जाती है। परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती बेटा, कम हो जाती है। यही क्रम यहाँ पर हम नोट करने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर आप नोट के तौर पर लिखेंगे किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त की संख्या या कोष की संख्या निश्चित रहती है, कोष की संख्या निश्चित रहती है परंतु कोष में लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने के कारण दाएं से बाएं जाने पर लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने के कारण नाभिकीय आवेश बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से परमाणु की त्रिज्या घट जाती है। परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। अब बात को समझिएगा, अब ये तो बात किसकी होगी भैया, आवर्त में हो गई कि आवर्त में अगर दाएं से बाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, लेकिन आवर्त की संख्या या कोष की संख्या निश्चित रहती है, जिसकी वजह से नाभिक का आवेश क्या होता जाता है, इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ता जाता है, इसलिए परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। अब इसी को अप्लाई करते हैं आवर्त पे, आओ आवर्त पे समझते हैं। अगर आवर्त की बात तो हो गई, अगर वर्ग में समझने का प्रयास करें तो वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाएं तो हमें पता है लगातार परमाणु क्रमांक में क्या हो रही, वृद्धि हो रही है, लेकिन परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ, परमाणु क्रमांक की किसके साथ साथ बेटा, वृद्धि के साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें तो कोषों की संख्या भी क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है। अगर कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी तो कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच नाभिक का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नाभिकीय बल जो नाभिकीय आवेश था इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नाभिकीय आवेश क्या होता जाएगा भैया, कम होता जाएगा। इस कारण से अगर हम क्या करें भैया, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो परमाणु का आकार लगातार बढ़ता जाता है,
और नाभिकीय आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, इसलिए परमाणु की त्रिज्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आइए इसको नोट करते हैं, नोट करिए यहाँ तक पूरे क्रम को, आइए दूसरे पॉइंट को समझाने का प्रयास करें। यह तो बात किसकी थी बेटा, आवर्त की थी। चलो आओ इसको समझते हैं वर्ग पे, वर्ग पे अप्लाई करके इसको हम देखते हैं कि वर्ग में क्या क्रमिक परिवर्तन आने वाला है। आइए इसको समझते हैं। अगर हम बात करें वर्ग में, तो वर्ग में अगर हम क्या करें भैया, ऊपर से किधर जा रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं नीचे की ओर। ऊपर से अगर हम जाएं नीचे की ओर तो होगा क्या, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा। तत्वों का क्या बढ़ेगा भैया, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा लेकिन साथ ही साथ आवर्त की संख्या, आवर्त की क्या बेटा, आवर्त की संख्या भी बढ़ेगी। और आवर्त की संख्या बढ़ने के साथ साथ आप कह सकते हो कि जो कोश की संख्या होगी वो भी बढ़ेगी, और कोश में इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ हम देखेंगे तो नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश यहाँ पे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और नाभिकीय आवेश घट जाने के कारण से परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परमाणु की त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। हमने क्या बताया, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोशों की संख्या बढ़ेगी, ये तो फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन नंबर भी बढ़ेंगे लेकिन कोशों की संख्या बढ़ जाएगी। तो दूरी क्या हो गई नाभिक से, बढ़ गई, और नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे तो नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा तो परमाणु त्रिज्या अपने आप क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। परमाणु त्रिज्या अपने आप क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी। परमाणु त्रिज्या अपने आप बढ़ जाएगी। इसी में यहाँ पे लिखेंगे, किसी भी आवर्त में, आवर्त की बात हटाओ, यहाँ पे क्या लिखो बेटा, वर्ग में, किसी भी वर्ग में दाएं से बाएं नहीं, ऊपर से नीचे, ऊपर से किसके तरफ बेटा, ऊपर से नीचे जाने पर कोष की संख्या निश्चित नहीं रहती, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, परंतु कोष में लगातार इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के साथ साथ बाह्यतम कोष पर इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश इस बार क्या हो जाएगा बेटा, घट जाता है। नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, घट जाता है, और जिसकी वजह से परमाणु की त्रिज्या घट नहीं इस बार क्या हो जाती है भैया, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अगर कोई आपसे पूछे, कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम और पोटेशियम को बढ़ती हुई त्रिज्या के परमाणु, बढ़ती हुई त्रिज्या के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, तो बढ़ती हुई त्रिज्या के आधार पर, बढ़ती हुई त्रिज्या के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना, बढ़ती हुई त्रिज्या के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी बेटा, पोटेशियम की, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। सबसे ज़्यादा त्रिज्या पोटेशियम की, फिर सोडियम, फिर लिथियम की, फिर किसकी बेटा, हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन की, नोट कर लें यहाँ पर। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि नाभिकीय आवेश निकालोगे कैसे, तो हेडिंग डालेंगे नाभिकीय आवेश ज्ञात करना, किसी भी परमाणु का नाभिकीय आवेश ज्ञात करना। किसी भी तत्व का नाभिकीय आवेश, किसी भी तत्व का नाभिकीय आवेश ज्ञात करना। आइए मिटाते हैं इसको। ठीक है भाई, हेडिंग डालेंगे नाभिकीय आवेश ज्ञात करना। आप सिंपल शब्दों में ये रखिए, ठीक है ना, आप सिंपल शब्दों में ये याद रखेंगे, आवर्त में, आवर्त में दाएं बाएं से किधर, बाएं से दाएं जाने पर,
परमाणु त्रिज्या घटती है, घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। दूसरा, अगर वर्ग में बात करें तो वर्ग में ऊपर से किधर जाएंगे भैया, ऊपर से नीचे, तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी भैया, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नाभिकीय आवेश क्या होता है भैया, बढ़ता है। नोट कर लें, अरे यार नाभिकीय आवेश क्या होता है, यहाँ पे घटता है, नाभिकीय आवेश यहाँ पे घटता है, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या घटेगी, नाभिकीय आवेश घटेगा तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी। नोट करें यहाँ तक, ठीक है ना। अच्छा एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा, अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या, अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक अधिक होती है क्योंकि क्योंकि ठीक है ना, इनका बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश जिनका, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश, इनका बाह्यतम कोश क्या होता है, अपूर्ण होता है, अरे यार पूर्ण होता है, अपूर्ण कह रहा हूँ, पूर्ण होता है, पूर्ण होता है, ठीक है नोट कर ले। आइए ठीक भैया, आओ थोड़ा सा क्रम को आगे बढ़ा लो और एक आध दो चीज और सीखे। हेडिंग डालेंगे नाभिकीय आवेश ज्ञात करना, नाभिकीय आवेश कैसे ज्ञात करते हैं भैया, नाभिकीय आवेश को ज्ञात करते हैं, नाभिकीय आवेश को प्यार से किससे लिखते हैं, जेड इफेक्टिव से लिखा जाता है, ठीक है ना। कैसे ज्ञात करते हैं, तो अभी हमने बताया कि नाभिकीय आवेश का ही काम है परमाणु त्रिज्या पे, नाभिकीय आवेश ज्यादा तो परमाणु की त्रिज्या क्या, परमाणु की त्रिज्या कम, और नाभिकीय आवेश कम तो परमाणु की त्रिज्या बेटा, परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है ना। आओ इसको समझो, नाभिकीय आवेश ज्ञात करना, नाभिकीय आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, तो नाभिकीय आवेश ज्ञात करने का फार्मूला लिखें, जेड इफेक्टिव, किसी भी परमाणु का नाभिकीय आवेश ज्ञात करने का फार्मूला, जेड इफेक्टिव इक्वल टू लिखोगे जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा, जहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या है, परमाणु, ये कह सकते हो नाभिकीय आवेश, क्या है बेटा, नाभिकीय आवेश, ठीक है ना। जेड क्या है बेटा, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, क्या है, परमाणु क्रमांक। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा को बोलते हैं भैया स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्या बोला जाता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कल हमने पढ़ाया था स्क्रीनिंग इफेक्ट, वही स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या इसे बोलते हैं स्लेटर, स्लेटर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ से अगर हम देखें स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू उतनी ही क्या कह सकते हो, क्या हम नाभिकीय आवेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा कह सकते हैं नाभिकीय आवेश भी उतना ही क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, उतना ही क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उतना ही क्या होगा भैया, ज़्यादा होगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसके लिए जितना ज़्यादा आएगा उसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू, जिसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जितना ज़्यादा आएगा उसके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू उतनी ही क्या आएगी बेटा, ज़्यादा आएगी, और परमाणु की त्रिज्या उतनी ही क्या आ जाएगी, कम। आइए इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, एक एग्जाम्पल के थ्रू कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये तो किसी भी परमाणु का क्या है भैया, परमाणु क्रमांक है, और सिग्मा की वैल्यू की बात करते हैं, स्लेटर कांस्टेंट का यूज कैसे किया जाता है। हेडिंग डालें स्लेटर कांस्टेंट ज्ञात करना, ठीक है ना।
पहला नियम नंबर एक लिखेंगे ज्ञात करने का, लिखो जेट नाभिकीय आवेश ज्ञात करने का नियम, हेडिंग डालें नाभिकीय आवेश ज्ञात करने का नियम। अब नियम क्या है भैया, नियम आओ समझते हैं, नियम नंबर एक लिखेंगे। नियम नंबर एक क्या कहता है, नियम नंबर एक कहता है लिखो सभी एनएस तथा एनपी, सभी एनएस तथा एनपी एनपी कोश उपकोशों के लिए जो सिग्मा होगा इसका मान 0.35 है। कितना होता है भैया 0.35, ये फिक्स है, ठीक है ना। दूसरी बात, परंतु एक नोट लिखेंगे एक्सेप्शन में, 1s के लिए स्लेटर वैल्यू की वैल्यू होती है 0.3, कितना होता भैया 0.3। अगर 2 की बात करें, दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरा नियम कहता है फॉर n माइनस वन, ठीक है ना, n-1 कोस के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है 0.85, कितना होता भैया 0.85 होता है, ठीक है ना 0.85 होता है। और अगर बात करें n-2 के लिए, तो n-2 कोस के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो ऑलवेज कितनी होती है बेटा 1। आइए इसको समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हमने 3 कोस लिया, एक ns लिया और दूसरा क्या लिया बेटा np लिया, ns और क्या ले लिया भाई, ns और np ले लिया। अब ns और np के लिए जो सिग्मा की वैल्यू रखोगे वो कितनी रखोगे बेटा, वो रखोगे 0.35। लेकिन अगर 1s कहीं पे आता है तो इसके लिए 0.3, अगर n-1 कोई सेल आती है तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.8 रखना है, n-2 आता है तो इसके लिए n-2 और सभी n-3 भी आए, n-4 भी आए, तो इन सब के लिए जो सिग्मा की वैल्यू आप रखोगे, सिग्मा की वैल्यू रखोगे 1। पहले इस नियम को नोट करें, फिर मैं निकालना सिखाता हूँ कि कैसे निकालोगे आप स्लेटर कॉन्स्टेंट, ठीक है, नोट करें यहाँ तक। आइए, जैसा सोडियम के हमें बाह्यतम कोष के लिए जेड इफेक्टिव का मान निकालना है, क्वेश्चन है हमारे पास सोडियम के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिकीय आवेश का मान ज्ञात कीजिए। सोडियम के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक है ना, जेड इफेक्टिव बोले तो नाभिकीय आवेश ज्ञात करो, ठीक है ना। आओ समझते हैं इस पे कैसे निकालोगे आप। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का सबसे पहले करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो बाह्यतम जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है उसको छोड़ देना है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या बताया था, किसी भी न्यूक्लियस के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, जो उससे इनर कोष के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करते हैं बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है उसको छोड़ देना, इसके बाद वाले इलेक्ट्रॉनों से लेना देना नहीं, इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉनों से मामला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको अंदर आने से क्या करेगा, रोकेगा, स्क्रीन करेगा, ठीक है ना। तो अंदर वाले की बात करेंगे, बाहर वाले की बात नहीं करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है जिसको हम अपने लिए जेड की सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए इसको हमें क्या कर देना, छोड़ देना, ठीक है ना, छोड़ देना है भाई। अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर देखें तो ये हमारे लिए क्या बना, ये हमारे लिए बना ns और ये क्या बन गया बेटा np, क्या बन गया ns और क्या बन गया बेटा np बन गया। अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे लिए ns बना और इसको हमें इलेक्ट्रॉन छोड़ ही देना है, तो इसको तो कंसीडर नहीं करना, ये हमारे लिए बना n-1 कोस और ये बना n-2 कोस, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके लिए जेड सिग्मा की वैल्यू निकालें, तो सिग्मा की वैल्यू तो इसके लिए ns की वैल्यू रखेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करना, तो इसके लिए तो जीरो आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 1 into ns, ठीक है ना, इसको कंसीडर ही नहीं करना, तो इसके लिए जो इसको कोई इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर ही नहीं रहा है तो इसको कंसीडर ही नहीं करना। अब कंसीडर किसको करना है, n-1 को। तो n-1 में अगर देखें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 4, 6, 6, 2, 8, कितने हैं बेटा 6, 2, 8 हैं। और अगर बात करें n-1 के लिए सिग्मा कॉन्स्टेंट कितना होता है, सिग्मा कॉन्स्टेंट की वैल्यू अगर देखें तो 0.3
0.85 होता है। और साथ ही साथ ये n-2 के लिए कितना बनेगा भैया, दो इलेक्ट्रॉन 2+1। अगर इसको सॉल्व करें 8×5=40, ठीक है ना, 4, 8×8=64, 4, 68 प्लस में क्या करोगे 2, तो ये बनेगा बेटा 70। कितना बनेगा, अरे यार 70 के बनेगा, दो पॉइंट पे डेसिमल भी तो है, तो दो पॉइंट पे अगर डेसिमल लगाओगे तो ये 0.8 आ जाएगा और 2.68 आएगा। अगर यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए जो तरीका होगा वो क्या होगा भैया, इसमें आप लिखोगे जेड माइनस सिग्मा, तो जेड की वैल्यू 11-2.68 और सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8.32 आएगा, ठीक है ना, 8.32 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक इसकी वैल्यू भैया, नाभिकीय आवेश की वैल्यू यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो गई, ठीक है। आइए दूसरे के लिए, अगर मान लो हमें जिंक के लिए निकालना पड़ जाए, किसके लिए बेटा, जिंक के लिए, तो आप जिंक के बाह्यतम कोष, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए हेडिंग लगाएं, जिंक के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव का मान होगा, जेड इफेक्टिव का मान होगा। तो सबसे पहले जिंक की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 31s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, तो यहाँ पे अगर देखें तो 10, 2, 12, 6, 18, 18, 2, 20, 20, 3d, यही हो जाएगा 3d10 आ जाएगा, सही है, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 20, 10, 30, ठीक है ना। अब बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन कहीं, इसके लिए जेड की वैल्यू निकालनी है, तो लिखोगे जेड इफेक्टिव इक्वल टू, अब सबसे पहले ये देखें बाह्यतम कोष अगर यहाँ, तो देखें बाह्यतम कोष कौन है भैया, 4s2 बनेगा ना, 3d, और अगर 3d दिया गया, 4s दिया गया, तो बाह्यतम कोष कौन है भैया, 4d है, तो ये बाह्यतम कोष बना, ये बना हमारे लिए ns, क्या बन गया बेटा ns, ns में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो मान लो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो कि दूसरा इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा, इसके लिए तो आपको जेड इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, ये बना हमारा ns और ये दोनों हमारे लिए क्या बन जाएंगे बेटा, ये दोनों हमारे, ये बन जाएगा n-1 और ये क्या बन जाएगा n-2, ठीक है ना। और इसके लिए वैल्यू निकालें तो यहाँ पे अगर हम जेड इफेक्टिव की बात करें तो 1 इंटू क्या करना पड़ेगा, s के लिए, 1s के लिए वैल्यू कितनी, 0.35 प्लस आप क्या करोगे n-1 में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 8 को मल्टीप्लाई करोगे 0.85 से, प्लस में क्या करोगे n-2 के लिए हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 10, और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, ठीक है ना, 6, 2, 8, 8, 2, 10। अब इसको सॉल्व करें तो 0.35 प्लस, ये आपको सॉल्व करने पे आ जाएगा 8×40.68 प्लस आप क्या करोगे 10। अब अगर इसको ऐड करना चाहो तो लिखोगे 10.00.68.35 9, 8, 5, 13, 3, 7, 6, 3, 9, 1, 10.11 11.03 आ जाएगी। ये किसके लिए भैया, सिग्मा की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है भैया, सिग्मा की वैल्यू है। अगर इसी के लिए जेड इफेक्टिव निकालना चाहें तो जेड इफेक्टिव में 30- क्या करना पड़ेगा 11.30, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 18.97 आ जाएगा जेड इफेक्टिव की वैल्यू, किसकी बेटा, जिंक की। तो इसके तरीके से आप नाभिकीय आवेश किसी भी एलिमेंट का ज्ञात कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं तक, अगली चर्चा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे आयनाइजेशन।